श्री रामलाला वस्त्र अर्पण कार्यक्रम में सामिल होती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का लखनऊ बासभवन में होता कार्यक्रम में यह वस्त्र अर्पण कराक प्रस्तुत कर 12 लाख भक्त हेरिटेज हेड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत होता यह वस्त्र को आसंता 22 तारीख में परिधान करेंगे भगवान श्री रामलाला। लगभग 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में राम तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन लोक आस्था और जनविश्वास की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बहाने प्रभु का एक मूर्त रूप फिर से वहां पर रामलला के रूप में राम जन्मभूमि में राम भक्तों को दुनिया की दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त होगा और इस देश से दो धागे श्री राम के नाम। इस भाव के साथ अनघा जी ने जो ये प्रयास किया है, उन्होंने बोला ना कि वस्त्र तब बनता है जब ताना और बाना के बीच में, ओत और प्रोत के बीच में समन्वय होता है, और ये समन्वय भी है राम भक्ति का ताना है तो हैंडलूम का बाना भी है। राम भक्ति का ये ताना हैंडलूम यानी हस्तशिल्पी हस्तशिल्प परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।